केजीएफ के रॉकी का आई नई मूवी, कौन सी फिल्म में करेंगे ये अपना कैमियो? तो दोस्तों इसी के बारे में होगी ये वीडियो, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ में, और मैं आपकी दोस्त और होस्ट हर्षिका। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजीएफ के, यानी कि केजीएफ के एक्टर, केजीएफ के सुपरस्टार रॉकी के बारे में, यानी कि हमारे यश की काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं उसी के बारे में होने वाली है ये वीडियो। उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो अगर आप यश के यानी कि रॉकी भाई के सच्चे वाले और अच्छे वाले फ़ैन हैं तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। सो गाइज, अगर आप मेरी तरह ही सिनेमा से काफ़ी प्यार करते हैं, सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं, तो आई होप आप मेरी वीडियो यानी कि मेरी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उस लिंक को क्लिक करें और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी, तो उस लिंक को कॉपी करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हमारे रॉकी भाई की काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं, तो आखिर वो फेमस कहाँ से हुए, आखिर वो फेमस कौन सी मूवी से हुए? तो आप सभी को बताया वो मूवी कौन थी। इस वीडियो में मैंने 5-6 बार तो उनका नाम खुद ले दिया, यानी कि हमारे रॉकी भाई की वजह से जो हमारे यश थे वो फेमस हुए, क्योंकि उस किरदार को उन्होंने अपने अंदर घुसा लिया था, उस किरदार को अपने अंदर यानी कि इन्वॉल्व कर लिया था, तब जाके उन्होंने वो एक्टिंग करके दिखाई। क्योंकि आपको पता होगा एक बेहतरीन और एक सबसे अच्छा एक्टर वही होता है जो अपने अंदर जो उसका कैरेक्टर है, जो उसका रोल है, उसको अपने अंदर ढाल ले अच्छी तरीके से, यानी कि अपने आप को उतने टाइम पीरियड के लिए वही बना ले। जो हमारे रॉकी भाई ने बिल्कुल वैसा करा, हमारे यश ने बिल्कुल वैसा करा। ऐसा हो गया था, मुश्किल ही हो गया था कि हम जान पाएँ कि यश कौन है, रॉकी कौन है, क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि आपको एक बार भी फिल्म में लगा कि इनकी एक्टिंग यहाँ पे अच्छी नहीं है, यहाँ पे अच्छी नहीं है, यहाँ पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं। उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेके उनके हर एक एक्शन तक, उनके सारे स्टंट से लेके उनका पैशन, सब कुछ वन नंबर था, यानी कि एक नंबर था। तो दोस्तों इसी पे उन्हें और सारी मूवीज़ भी मिली हैं, तो चलिए बात करते हैं अब उन मूवीज़ के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले जो उन्हें मूवी मिली है उसका नाम है यश 90। आप लोगों ने भी इस पेज को यानी कि इस वर्ड को जो हर जगह ट्रेंड कर रहा है, यश 90, हैशटैग यश 90, हैशटैग यश 90, तो क्यों हो रहा है ये? तो दोस्तों क्योंकि यश अपनी अगली फिल्म करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है ये। और दोस्तों मैं अगर आपको एक और बात बताऊं तो यश इसके बाद एक और फिल्म करने वाले हैं जिसका टाइटल अभी बताया नहीं गया है, यानी कि वो अभी अनटाइटल है, बट उस फिल्म की मूवी काफ़ी ज़्यादा हाईली बजट होने वाली है। उसको बता दिया गया है कि उसका बजट शायद कन्नड़ इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होगा, यानी जैसे बोलते हैं ना हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस फिल्म का सबसे ज़्यादा है, साउथ में इस फिल्म का सबसे ज़्यादा है, तो कन्नड़ मूवी में सबसे ज़्यादा फिल्म का बजट इसी मूवी का होने वाला है जिसमें हमारे यश है। तो दोस्तों काफ़ी एक्साइटिंग होगा, और मैं आपको बताऊँ तो इनका कैमियो भी होगा। अब आप सोचेंगे कैमियो कैसे हो सकता है? तो दोस्तों आपको याद है कि एक यूनिवर्स बनने वाला है जिसके अंदर KGF, सालार और सारी मूवीज़ भी हैं, यानी कि NTR और हमारी बगीरा, तो उसी के अंदर यानी कि सालार के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि सालार के अंदर हमें KGF के यानी कि रॉकी का एक कैमियो दिखने वाला है। ये बात अभी पूरी तरीके से पक्का नहीं है, एज एक इन्फॉर्मेशन ही है जो मैं आप तक पहुंचा दी मैंने। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो भी मैं आपको वीडियो बना के बता ही दूंगी, तब तक के लिए आप इन्जॉय कर सकते हैं, इस बात से खुश हो जाइए, क्योंकि आपको शायद सालार और रॉकी एक ही स्क्रीन पर दिख जाएंगे अगले साल ही, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो और काफ़ी एक्साइटिंग भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।